मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जदयू के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी को बचाने के लिए लगातार मुहिम चला रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई फिक्र नहीं है, मुख्यमंत्री के ईद गीत गलत लोग जमा हो गए हैं। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों पर कार्रवाई करने की बात कही है। गंभीरता से मुख्यमंत्री जी न तो ध्यान दे रहे हैं और न फिर और कुछ जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमसे कोई बात हो रही है, इसलिए हमको लगा कि अब कार्यकर्ता साथियों को बुलाकर उनके बीच यह बात की जाए, उनसे विमर्श किया जाए कि कैसे आगे लोगों का जो अरमान है उसको हम बचा सकें। तो एक तरह से कहिए कि पार्टी बचाने की जो कोशिश हमारी है उसी की अगली कड़ी के रूप में हमने लोगों को बुलाया है, बैठक बुलाई है। अधिक लोगों अपने स्वार्थ में अंधा हो, जो अफसरवादी हो, ठीक है, वैसे लोग का यही हर्ष होता है, अपना राजनीतिक जमीन खो देते हैं। और यहाँ जो है हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये सभी नीतीश कुमार जी के ठोके बजाए लोग हैं, समझे, किसी अफसरवादी लोग हैं, उनको ये मजान नहीं है कि हमारे पार्टी पर किस तरह की उंगली कोई उठा दे। हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और जो कुछ है वो आप लोग समझते हैं कि जो उनकी शुरुआती दिनों से ही देख रहे हैं, वो अपने जब पार्टी में विलय किए तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से दूर रखने का काम किया। उन्होंने कभी भी मुख्यधारा से पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ने का काम नहीं किया। और उन अपने जो भी उनके साथी थे सभी लोग को महात्मा फुले से जुड़ के उन्होंने रखा। तो आप बताएं अब उनके लिए पार्टी में कुछ बचा है कि नहीं, आप क्या चाहते हैं कि पार्टी पार्टी में क्या बचा है वो तो हम बाद में रखेंगे, बाद में बताएंगे। हमने तो स्पष्ट कहा है कि पार्टी ऐसे लोग तो राजनीतिक से ही खो देते हैं, उनका जमीन ही खो गया। बातचीत की कोई गुंजाइश है के साथ पार्टी इनके किनके गोद में जाकर क्या खेल रहे हैं तो आप लोग सब लोग उम्मीद करते हुए जानते ही होंगे। अच्छा, कोई गुंजाइश बची कि नहीं बातचीत की? अब नहीं, ये क्या मानी गुंजाइश क्या है? जो आदमी पार्टी के मर्यादा को तार तार, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर कोई बात अपनी रखी, सब लोग का है प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के लोग जो है पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात रखते हैं। और ये हमारे नेता ने जिनको इतना मर्यादा माने काम देने का, इतना मान सम्मान देने का काम किया और पार्टी के मर्यादा को उन्होंने तार तार कर दिया, तो ऐसे लोग की बातों को हम लोग बताइए। एक सवाल ये है कि उनके कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के लोगों को भी बुलाया है, तो यदि एक मिनट यदि उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम करते हैं तो और उसमें जो जांचों पर कार्रवाई होगी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्ष की उपज की पार्टी है, उनके जो लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो कोई कार्यकर्ता उस बैठक में भाग नहीं ले। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।